स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं नया वीडियो आपके बीच, जो टॉपिक है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक। ब्रिक हमारा एक कॉमन बिल्डिंग मटेरियल है, जो हम हर एक मकान बनते टाइम इसका उपयोग करते हैं। उसी क्रम में आज हम इस ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे और देखेंगे इस ब्रिक का कितना वाटर एब्जॉर्प्शन आता है। ब्रिक आप देख रहे हैं, हर किसी ब्रिक का वेट हमारा क्या है अलग अलग होगा, यानी हर किसी का वाटर एब्जॉर्प्शन भी हमारे क्या है, इसकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो ये हमारे क्या है, 5 सैंपल है जिसको हम आज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये कितना इसका वाटर एब्जॉर्प्शन आ रहा है। उसी वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये हमारा क्या है, कौन सा क्लास का ब्रिक है, फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास या फिर थर्ड क्लास का हमारा ये ब्रिक है। वीट मशीन हो गया और ये हमारे 5 हमारे स्पेसिमेन सैंपल ब्रिक के हैं। ये हमारे सैंपल हैं ब्रिक का और हम इस पे सबसे पहले हम इसको मार्किंग करते हैं। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5। अब इन 5 सैंपल ब्रिक का हम एक एक करके हम इसका वेट करेंगे। और ये जो हमारा ब्रिक है, ये हमारा नेचुरली ड्राइड है, नेचुरल में डायरेक्ट हम वहाँ से लाए हैं और इसका हम वेट करके देख रहे हैं कि कितना इसका वेट आ रहा है। और वेट आते के बाद से हम इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में इसको हम लिख लेंगे। 2.741 केजी ये फर्स्ट सैंपल का वेट आया हुआ है। ये सेकंड सैंपल ब्रिक है, इसका वेट हमारा 2.665 केजी आया। इसको भी हम टेबल में लिख लेंगे। सैंपल 3, इसका वेट हमारा 2.652 केजी, इसको भी हम फिर टेबल में लिख लेंगे। सैंपल 4, 3.235 केजी, सैंपल 5, 2.959 केजी, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। पांचों सैंपल का वेट हमने नोट कर लिया। ये हमारे क्या है, जो वेट हमने नोट किया ये नेचुरली ड्राइड हमारे ये सैंपल है। अब इनको हम क्या करेंगे, इन सैंपल को हम इनको बाथ टब में या फिर क्यूरिंग टैंक है, इसको हम इसको इमर्ज कर देंगे एक एक करके। हम इसको इमर्ज कर देंगे 24 आवर के लिए। ये हमारे 5 सैंपल ब्रिक वाटर टैंक में ये हमारे इमर्ज हो चुके हैं। अब इसको 24 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, बाथ टब को या फिर वाटर टैंक हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा वाटर टैंक में बाथ टब में हमारा ये 5 सैंपल ब्रिक 24 घंटे के लिए हम इसको इमर्ज कर दिए हैं। अब देखते हैं कि 24 घंटे बाद इसका वेट हमारा क्या है। 24 घंटे अब हो गए हैं, अब हम इस सैंपल को निकालने जा रहे हैं और निकालने के बाद से हम इसका वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका कितना वेट आ रहा है।
सैंपल को कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि क्या हो, ये सरफेस हमारे पूरी तरह से ड्राई हो जाए। और ये सरफेस हमारा ड्राई हो गया है, उसके अलावा भी हम इसको सॉफ्ट कॉटन से, कपड़े से इसको अच्छे तरह से पोंछ लेंगे, ताकि पूरी तरह से हमारा सरफेस इसका ड्राई हो जाए। एक एक करके हर एक सैंपल का हम इसको कपड़े से पोंछ लेंगे, ताकि सरफेस ये हमारा ड्राई हो जाए। ये पांचों सैंपल को हमने अच्छे से कपड़े से ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद से हम इसका एक एक सैंपल का हम वेट करेंगे। देखिए पूरी तरह से क्या है, सरफेस इसका ड्राई अप हो चुका है। वेट मशीन ऑन कर देंगे। वेट मशीन ऑन करने के बाद से हम एक एक सैंपल का वेट करेंगे। ये देखिए सैंपल वन ब्रिक का इसका वेट आ रहा है 3.118। फिर हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में हम इसको नोट डाउन करेंगे। सैंपल टू इसका 3.003 kg, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ये जो नोट डाउन कर रहे हैं, ये हमारा रोटिंग जो है W2 है। WT2 जो है हमारा, ये 24 घंटे वाटर में रखने के बाद से हमारा क्या है, उसका वेट है। सैंपल 3 इसका 3.098। सैंपल 4 3.449। ये सैंपल 5 3.422 kg, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब ये हमारा क्या है, पूरी तरह से हम W2 रीडिंग हम नोट कर चुके हैं। देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल में ये हमारा W1 और W2 का हमने रीडिंग नोट कर चुके हैं। अब हमको परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है W2 - W1/W1 होता है × 100। ये हमारा क्या है, परसेंटेज में वाटर एब्जॉर्प्शन आता है। W क्या है हमारा, वाटर एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज होता है। W1 क्या होता है, वेट, हम ड्राई वेट है हमारा, नेचुरल कंडीशन में जब हमारा ब्रेक था तब उस टाइम का हमारा वेट था। और W2 हमारा क्या है, हम जब इमर्ज करने के बाद से हम निकाले हैं वेट उसका। अब इस तरह से आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने सभी ब्रेक का परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल लिए हैं। अब निकालने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज एवरेज हम निकालेंगे कि एवरेज परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा कितना आ रहा है। देखेंगे कैलकुलेट करने के बाद से 13.102% ये हमारा ये आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा प्रोसीजर को फॉलो किया, और ये देख रहे हैं कि कंप्लीट हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग ये लिखी जा चुकी है। और यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिक का जो आया है एवरेज परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन 13.1% ये हमारा आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक हमारा ये फर्स्ट क्लास है। तो आपने पूरा प्रोसीजर एक एक स्टेप देखा, और देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी तरह से फिल कर चुके हैं। फिल करने के बाद से यहाँ पर वाटर जो एब्जॉर्प्शन ब्रिक का आया हुआ है 13.06 आया हुआ है। तो इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देखा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।